हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक पर। दोस्तों आप देख रहे हो टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फ़ोन की जियो स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आप जियो की सिम यूज करते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं मॉर्निंग में यहाँ पर जॉगिंग के लिए आया हुआ हूँ। मेरे यहाँ पर कुछ मुझे फ्रेंड्स मिल चुके हैं और वो मेरे को बोल रहे हैं भाई मेरे यहाँ पर जियो स्पीड बढ़ा दो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ही लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उनकी जियो स्पीड बढ़ाकर। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर है एक एयरफोन नहीं है, माइक नहीं है, ट्राईपोड। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, आपको इस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल अपना कन्फ्यूजन दूर करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो में थोड़ा लैग आ रहा है, कभी कभी आवाज़ मेरी आउट जा रही है। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपको यहाँ पर पूरी तरह बता दूंगा कि कैसे आप अपने जियो की स्पीड बढ़ा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो बना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो स्मार्टफोन और इसका नाम है लाइफ फिल्म वन। ये मेरे फ्रेंड का स्मार्टफोन है। चाहे कैसा भी स्मार्टफोन हो पर मुझे इसकी स्पीड बढ़ाकर दिखानी है और आज मैं आपको इसकी स्पीड बढ़ाकर दिखाऊंगा। मैंने दोस्तों इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई थी जियो की स्पीड कैसे बढ़ाएं, और दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों उसमें बताया था कि एप्लीकेशन से भी जियो की स्पीड बढ़ जाती है, आप एप्लीकेशन से भी जियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। पर दोस्तों आज मैं जो बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंटरनेट सेटिंग से भी जियो की स्पीड बढ़ा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी मेन मेन्यू ओपन करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी मेन मेन्यू ओपन कर देता हूँ। मेन मेन्यू ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं सेटिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको जो आपकी सेटिंग्स है वो दिख जाएंगी। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा, हर स्मार्टफोन में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी अलग हैं। पर आपको चीज़ क्या याद रखनी है, नेटवर्क्स। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क्स में ही आपका इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मोबाइल नेटवर्क। तो दोस्तों मोबाइल नेटवर्क पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जो ये मॉडल है ये लाइफ का फ्लेम वन है, और अगर आपके पास सेम मॉडल है तो आप इसे देखकर कर सकते हो। और दोस्तों जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो सभी में यहाँ पर लागू होगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा ये जियो की सिम के लिए, और ये यहाँ पर आइडिया, वोडाफोन और सभी सिम के लिए यहाँ पर हो सकता है, पर उसके लिए आपको यहाँ पर एक चेंजिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, दोस्तों जिसे आप APN बोलते हो। दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है, आपको इसमें एक ऐसी सेटिंग करनी है और जिससे आप जियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं एक्सेस पॉइंट नेम्स को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ऐसा करने के बाद दोस्तों मेरे सामने आएगा इंटरनेट, और इंटरनेट का यहाँ पर जियो नेट है। दोस्तों आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पर जो मेरे जियो के नेटवर्क है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और मैं यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो आपको बढ़ाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको पहले तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो स्मार्टफोन है फिलहाल यहाँ पर कितनी स्पीड पकड़ रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्पीड टेस्ट। ये आपकी टेस्ट स्पीड करके दिखा देगी आपकी यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो गो का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ऐसा करने के बाद ये यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है। आपका जो सर्वर है आपके नियर बाई जितने भी टावर्स हैं उनका ये सर्वर ले लेगी, और जो भी यहाँ पर सबसे अच्छा दिखेगा उसके हिसाब से आपको स्पीड दिखा देगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी घटिया स्पीड आ रही है, 1 MB से भी कम स्पीड ये यहाँ पर निकाल रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितना बुरा हाल होगा, ये 1 MB भी निकाल रहा है और उसके बाद बिल्कुल नन हो जाता है। तो दोस्तों जो स्पीड है ये लाइव चल रही है, और इसको मैं यहाँ पर आपको बढ़ाकर दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर वीडियो में कोई कटिंग वटिंग नहीं करूँगा, और इसके लिए मैंने आपको बताया था सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में मोर ऑप्शन, और आपके में कोई अलग ऑप्शन हो देख लेना, पर जो इसमें मेन है वो है मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क में भी मेन जो है वो है एक्सेस पॉइंट नेम, ये APN के नाम से भी होता है, इसकी जो कट फॉर्म है वो APN है, इंटरनेट जियो नेट, इस पर आपको क्लिक करना।
तो दोस्तों सेटिंग्स ओपन करने के बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो आपको करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख गए होंगे, नेम, APN, प्रॉक्सी, नॉट सेट, यहाँ पर प्रॉक्सी दिखा रहा है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है जैसे यूजर नेम पासवर्ड, तो आपको बिल्कुल सेम रहने देने हैं, नेम, APN, प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम पासवर्ड, आपको इनमें कुछ भी नहीं बदलना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ ये स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों ये देखिए सर्वर, सर्वर यहाँ पर जो मेन चीज़ है उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सर्वर में क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सारी सेटिंग सेव कर चुका हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ मैंने यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग सेव की है। तो दोस्तों जो मैं पहले आपको सर्वर बता रहा था वो यहाँ पर होना चाहिए सर्वर www.fgo5%4g.com। जी हाँ दोस्तों, सर्वर में आपको ये लिखना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आपको ओके के यहाँ पर निशान पर क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ ओके के निशान पर, और जो यहाँ पर सब बिल्कुल सेम है वो सेम ही रहने देना है। और नीचे की तरफ चलते हैं और मैंने यहाँ पर क्या बदला है वो है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये पहले नन होगा आपका, अगर PAP है तो उसे PAP ही रहने देना है, तो नन है तो उसे PAP कर लेना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों फिर आपको कैंसिल करना है, और देखिए दोस्तों जो सेम है सेम रहने देना, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। APN टाइप में आपको डिफ़ॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ कुछ और भी लगा हुआ मिल सकता है, उसको आपको पीछे से वहाँ से क्लियर कर देना है, और आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, और आपको थोड़ा यहाँ पर वो कॉमा लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है SUPL सुपल, और फिर कॉमा, फिर XCAP। दोस्तों इस सर्वर जो ये सर्वर APN टाइप कोड का सर्वर है दोस्तों, ये हर जगह के टावर को पकड़ लेता है और आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों इसको भी यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, ये भी स्पीड हमने चेंज की थी। और दोस्तों और फिर आपको नीचे की तरफ चलना है, आपको सब ऐसे कैसे ही रहने देना, फिर आपको यहाँ पर बैरियर दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों इसमें केवल तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं, पर दोस्तों क्या है कि जो यहाँ पर बड़े फ़ोन्स होते हैं उनमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उनमें जो दो ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिन पर टिक नहीं है उन पर आपको क्लिक नहीं करना, और सभी पर आपको वहाँ पर टिक कर देना है। इसमें तीन है तो यहाँ पर मैंने तीन में केवल LTE पर ही क्लिक कर दिया है। और दोस्तों फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और क्या रह गया, और दोस्तों सब यहाँ पर बिल्कुल अब सेम ही रहने देना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन आपको दिख रही होंगी, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेव, सेव पर आपको क्लिक कर देना, जो सेटिंग्स हैं बिल्कुल सेव कर लेनी है। दोस्तों सेटिंग सेव हो चुकी हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जियो की स्पीड बढ़ी है कि नहीं है। अगर एक बार तो यहाँ पर आपको क्या है कि टावर बिल्कुल जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घबराना नहीं, टावर यहाँ पर बिल्कुल चले जाएंगे। यहाँ पर थोड़े टावर पहले मेरे चले गए थे, अब नहीं जा रहे, और ये देखिए अब मैं यहाँ पर आपको इसकी जियो स्पीड दिखाने वाला। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी जो जियो स्पीड है वो कितनी है। सेटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी जियो स्पीड चेक कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं कितनी जियो स्पीड आती है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए अभी भी 1 MB है। मुझे पता है पहली बार ऐसा ही दिखाएगा क्योंकि जियो के नेटवर्क हैं, चले जाते हैं पहली बार, तो दूसरी बार ये बिल्कुल सही दिखाएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पहले एक फ़ोन में किया था और अब मैं इसे बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, और मैं इसे दोबारा गो करता हूँ। तो दोस्तों अब की बार ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाता है, कनेक्टिंग हो रही है, ये आपका जो सबसे करीब सर्वर है, जो टावर है उसे पकड़ रहा है, और जो स्पीड है उसे इनक्रीज़ कर रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो स्पीड अभी 1 MB हो चुकी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
उम्मीद तो यही है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।